मुझे मानता हूँ आपको ट्रिलियन नहीं पता, पर जब आप रोज सुबह शाम ट्रिलियन ट्रिलियन बात कर रहे हो और नहीं पता है तो आप जुर्म हो। आप ये बताइए कि क्या संबित पात्रा से आपकी पर्सनल लाइफ में कोई मुलाकात है, कैसे रिश्ते हैं? जब देखिए, मैं तो हमेशा उनसे टीवी चैनल पे मिलता हूँ। मेरी बेटी को नहीं आती हो चौपाई, तो मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा इसको पाकिस्तान भेज दो, ये इमरान खान की दोस्त है। पर जब मैं राम 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 करता हूँ हर जगह जाके, और मुझे ये नहीं पता कि रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी गई है। एक टीवी डिबेट और फिर आप पोस्टर बॉय कांग्रेस के, सेंसेशन इंटरनेट सेंसेशन पे, कैसा लग रहा है? अध्यापक हूँ तो सवाल पूछने की प्रवृत्ति है, क्योंकि मैं सवाल पूछ के अगले व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा सवाल पूछने का अर्थ किसी व्यक्ति का नीचा दिखाना नहीं था, मेरा सवाल पूछने का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपने बातों के प्रति कितना गंभीर है, उनका दल अपनी बातों के प्रति कितना गंभीर है। जब हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो कोई व्यक्ति बोल देता है कि 5 ट्रिलियन होने वाला है, तो उनको ये भी मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मुझे पक्का पता है कि उनको ये भी नहीं पता कि अभी जीडीपी की क्या साइज़ है, 5 ट्रिलियन के लिए कितनी ग्रोथ चाहिए। मैंने तो सब ये काम किया है, ये सवाल मैंने टेक्निकल नहीं पूछे। लोगों को गुमराह करके आप जो डाइवर्ट करने की, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की जो प्रवृत्ति है ना, उससे शॉर्ट टर्म अल्पकालीन लाभ होता है, पर दीर्घकालीन देश को नुकसान होता है। और वो नुकसान हम देख रहे हैं कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं। किसी को भी शायद पता ना हो कि 5 ट्रिलियन या ट्रिलियन में कितने जीरो थे, बड़ा कॉमन है, लोगों को मिलियन में नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हो सकता है। आप मुझसे पूछ लें 19 का टेबल सुना दो तो शायद मैं उसमें अटक जाऊँ, तो लेकिन ये एक फिर इशू क्यों बन गया? नहीं, इशू इसलिए बना कि लोगों को लगा कि जो व्यक्ति जो बात कर रहा है उस बात जो आप, मुझे मानता हूँ आपको ट्रिलियन नहीं पता, पर जब आप रोज़ सुबह शाम ट्रिलियन ट्रिलियन बात कर रहे हो और नहीं पता है तो आप जुर्म हो, आप गलत हो, आप यू आर फॉल्ट। सुबह शाम आप आके बात करते हो कि मैं रामायण राम जी का जानकार हूँ, और आपको रामचरितमानस का पता ही नहीं कि अवधि में लिखी गई कि संस्कृत में, तो आप अन्यायी हो। पर मैं देखिए, मैं उन व्यक्ति को कभी, मैं उनकी भाव ज्ञान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, हो सकता है वो मेरे को एनाटॉमी के बारे में कुछ सवाल पूछ ले, मैं ना बता पाऊँ, मैं खुद बोलता हूँ, वो मेरे से पूछ ले कुछ, पर मैं फिर टीवी डिबेट में जाके एनाटॉमी के बारे में जिक्र नहीं करूँगा जब तक मुझे नहीं पता है। तो वो मेरी चीज़ों के प्रति मजाकियापन दिखाता, मानसिक दिवालियापन दिखाता। ये बताइए कि क्या संबित पात्रा से आपकी पर्सनल लाइफ में कोई मुलाकात है, कैसे रिश्ते हैं, रिलेशन कैसे? देखिए, मैं तो हमेशा उनसे टीवी चैनल पे मिलता हूँ, और जब भी मैं मिलता हूँ मैं उनको अभिवादन करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। अगर कई बार मैं उनको नहीं देखता तो वो मेरे से आके हाथ मिलाते हैं, मेरा यही रिश्ता है। मेरा कोई दोस्ताना, वी आर नॉट बडीज बट वी आर नॉट एनिमीज ऑल्सो। अभी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मालूम चला कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी, PhD, MCOM, LLB, सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, टीचर, स्पोक्सपर्सन, और अब सोशल मीडिया सेंसेशन। फिर अगर कोई आपसे कहे कि चौपाई सुना दो तो सुना पाएंगे? मैं तो चौपाई, देखिए मैं तो पूजा, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं पूजा करता हूँ इसका मुझे अभिमान है, मैं भक्ति भाव में हूँ इसका मुझे अभिमान है, इस देश की परंपरा नहीं है। इस देश में हमने हमेशा लिबरल व्यूज़ को चुना है, हमारे देश में हमेशा फ्री वॉइसेस की कद्र हुई है। कई बड़े बड़े लोग मेरी पार्टी के रोज़ दो दो घंटे पूजा करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे एक पूरा कमरा भगवान का मंदिर है, पूरा कमरा। रोज़ मैं सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा, अगर मैं होता हूँ तो मैं स्वयं पूजा करता हूँ, और नहीं होता है तो मेरे घर का कोई सदस्य वो काम जरूर करेगा। फिर सुना दीजिए चौपाई। नहीं, चौपाई में आपको कई सुना दूंगा, आप एक चौपाई में हमेशा आपके दर्शकों को, और कई बार टीवी डिबेट्स में भी सुनाई है मैंने, वो किसके लिए है आपके दर्शक खुद समझ जाएंगे। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन ते नर पावत नाही। तो
मतलब अच्छी चीज़ें भी जिनके कर्म में खराब है तो वो अच्छी चीज़ों का भी नाश कर देते हैं। तो कई, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे रामायण के पहले से अंतिम चौपाई आती, मैंने कब बोला, पर जब मैं राम 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 करता हूँ हर जगह जाके, और मुझे ये नहीं पता कि रामचरित मानस संस्कृत में नहीं लिखी गई है, तो ये अन्याय है, ये धोखा है मैं लोगों के साथ जो कर रहा हूँ। मैं किसी के IQ पे नहीं बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे परिवार में मेरी बेटी को नहीं आती हो चौपाई, तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा इसको पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो आजकल एक मुद्दा चलता है राष्ट्रवाद का, आपकी पार्टी को लेकर हमेशा एक राष्ट्रवाद पे जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी उन जो दूसरा नैरेटिव है उसके सामने कमजोर दिखती है। गौरव वल्लभ उससे कैसे निपटेंगे, क्या निपट रहे हैं? राष्ट्रवाद क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको, आपके दर्शकों को, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे लिखिएगा कि मैंने क्या गलत बोला। राष्ट्रवाद क्या है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री का TV चैनल वाले, प्राइम टाइम के TV चैनल वाले, बड़े बड़े TV चैनल वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री का कंपैरिजन एक कायर मुल्क के प्रधानमंत्री से कर लेते हैं कि इतने फिट रेड कारपेट बिछाया मोदी जी के लिए, और एक कायर मुल्क का, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेता हूँ, उसके प्रधानमंत्री से मेरे प्रधानमंत्री की तुलना, ये तुलना है ना, इससे मेरा प्रधानमंत्री नीचे आ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री की तुलना होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बिछा, शी जिनपिंग के लिए कितना बिछा, हम हमारे को रोज शाम को बैठ के ये पाकिस्तान को हरा दिया। अरे ना तो उनकी सोच, ना उनके पास GDP, ना उनके पास विज्ञान, ना उनके पास लोग, ना उनके पास शिक्षा। मैं क्यों करता हूँ? ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है कि मैं अपने लोगों की तुलना उनसे करके अपने लोगों को गिराता हूँ, ये राष्ट्रवाद नहीं है। चाय भी आपकी ठंडी हो रही है और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडी दिख रही है। कांग्रेस, महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव सामने है जी, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया था नागपुर, जिसको कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वेव चल रही है। मैं सीटों की टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं, पर मैंने लोगों में, युवाओं में रोष देखा है, लोगों में नौकरी जाने का रोष देखा है, लोगों में नौकरी जाने का भय देखा है, लोगों ने नया निवेश नहीं आया उसके। मैं कहता हूँ क्यों हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री जी या वहाँ के मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं करते कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। मैग्नेटिक महाराष्ट्र की बात करी थी फडणवीस साहब ने, 5 लाख 7 लाख करोड़ का MOU साइन हुए, 1 रुपया जमीन पे नहीं उतरा। 5 लाख रोजगार लगाने की बात करी थी, 1 रोजगार नया नहीं आया। खट्टर साहब ने यहाँ पे हरियाणा में एक सम्मिट कराई थी एक बार गुड़गांव में 2016 की में, उसका क्या हुआ? हुआ क्या? पूरा ऑटो क्लस्टर, जहाँ हम बैठे हैं उसके पीछे पूरा ऑटो क्लस्टर है, कंपलसरी शटडाउन से, और जो ऑटो क्लस्टर को जो सप्लायर छोटी छोटी कंपनियां हैं वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ लगी है, उसको कहते हैं लॉक, ताले। इस मंदी में भी मैं बार बार कहता हूँ एक उद्योग बहुत फल फूल रहा है, वो ताले बनाने का उद्योग है, क्योंकि हर कंपनी को, हर दुकान को ताले चाहिए। ये ताले क्यों लगे? मैं, आप जब बोलते हो कि ताले लग गए साहब वैश्विक मंदी है, 2008 में भी तो वैश्विक मंदी थी, ताले क्यों नहीं लगे? क्योंकि उस समय जो देश का नेतृत्व कर रहे थे वो अमेरिका हाउडी करने नहीं जाते थे, वो अमेरिका न्यूक्लियर डील को फ्रीज करने जाते थे, वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेके आगे नहीं बढ़ते थे, वो देश की महत्वाकांक्षाओं को लेके आगे बढ़ते थे। ये अंतर है। 2017 में जब मैं विदेश गया था एक टीचिंग असाइनमेंट में, जब वापस लौटा तो मेरा, हर व्यक्ति का उसके देश का एक आइडिया होता है, तो मेरा भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है, जो मैं इंडिया को एक फ्री, लिबरल, इंडिपेंडेंट एंड इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड सोसाइटी के रूप में देखता हूँ। जब मैं आके देखा तो मुझे दुख हुआ कि हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग लिंचर्स को माल्यार्पण कर रहे हैं। जब मैंने आके देखा तो HRD मंत्री देश के, वो अच्छी बात है, मुझे तो गर्व हुआ, पर लोग उन पर हंसे, बोले कि राइट ब्रदर्स से पहले विमान का आविष्कार पूना में हो गया था, ये इस, और वो IIT के कन्वोकेशन में जाके ऐसी बात करते हैं। जब मैंने आके देखा तो देश के प्रतिष्ठित गणमान्य लोग, मोर
अग्नि जब मोर के आंसू पीती है तो उसमें प्रजनन होता है, ऐसी बातें करने लगे। तो ये एंटी इंटेलेक्चुअल है, एंटी लिबरल व्यूज़ है, एंटी फ्री व्यूज़ है। तो मुझे लगा कि अब मेरी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं हमेशा अपने छात्रों को कहता था कि आप बड़ी बड़ी जॉब्स के पीछे भागते हो, कभी देश के बारे में भी सोचो, कभी वो भी करने की सोचो जो आप वास्तव में करना चाहते हो। तो एक बार एक छात्र ने मेरे को कहा, सर आप कर रहा क्या, आपने कभी किया क्या? तो हालांकि उस दिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं कुतर्क नहीं करता हूँ, मैं मौन हो जाता हूँ। पर वो सवाल ने मेरे मन में बड़ी गहरी छाप छोड़ी। तो मैंने जब मैं आया तो मुझे लगा कि मेरी सोच ऑफ इंडिया किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सबसे ज़्यादा मिलती, और मैंने पाया कि कांग्रेस से ये बिल्कुल मिलती। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी कांग्रेस अध्यक्ष और मीडिया के हमारे इंचार्ज श्री रणदीप सुरजेवाला साहब से, राहुल गांधी जी से। तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मेरे ऊपर विश्वास जताया, उसके लिए मैं उन दोनों का धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के बहुत शुक्रिया।